नमस्कार मित्रों, TV20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। TV20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आतरौली क्षेत्र के परमेश्वरपुर स्थित एक मैरिज हॉल में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि चौरी चौरा की वह भाजपा विधायक सर्वण निषाद तथा विशिष्ट अतिथि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र कुमार निषाद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि 2016 में निषाद पार्टी की स्थापना हुई है। इतने कम समय में जो सम्मान निषादों को मिला है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं मिला। उन्होंने बताया कि आज 11 विधायक, एक सांसद, एक कैबिनेट मंत्री और एक एमएलसी निषाद पार्टी के पास है। इसके पहले अन्य राजनीतिक पार्टियों ने निषादों को गुमराह करके उनके वोट लेकर उन्हीं की हाल पर छोड़ दिया है। जब से निषाद पार्टी गठन हुआ है तब से निषादों का मन मान सम्मान बढ़ा है। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि विधायक सर्वण निषाद और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत सिंह ने क्या कुछ कहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने और अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक की गई है, सर इसमें कार्यकर्ताओं को इस समय अतरौलिया में कार्यकर्ता बैठक करने का उद्देश्य? देखिए, हमारी पार्टी जो है निषाद पार्टी, ये कार्यकर्ता बैठक पूरे 5 साल करती है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हम लोग काम पूरे 5 साल करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो चुनाव के समय काम करती हैं, लेकिन आप हमें देखेंगे निरंतर यहाँ पे महीने दो महीने में हम लोग हर जिले वाइज, अभी जैसे कल हमारा कार्यक्रम सुल्तानपुर में है, परसों हमारा जौनपुर में है, फिर चंद में है, तो निरंतर हम लोग पूरे प्रदेश में काम करते रहते हैं। और निषाद पार्टी की यही ना है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा बैठती रहती है। सर, इसमें आपकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप भी सहयोगी है और अलायंस बना है, सर इंडिया गठबंधन बनाम NDA चलाया जा रहा है, तो क्या सर लगता है कि 2024 में इंडिया रहेगा या NDA रहेगा? देखिए, पहली बात तो जो इंडिया है वो सिर्फ तात्कालीन रूप से उन्होंने अपना नाम दे दिया है, नाम से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। इंडिया के लिए उस तरह का काम करना पड़ता है, और जो NDA है वही असली भारत है, असली इंडिया है। सर, उत्तर प्रदेश में तो निषाद पार्टी अपनी एक वजूद, एक पहचान बना चुकी है, इसके अलावा अन्य प्रांतों में भी निषाद समाज के बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या है, और वहाँ पर सर भी जिंदगी है, तो उसमें क्या? नहीं, थोड़ा सा अभी हम अलग जानकारी देते हैं कि अभी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इसमें चेन्नई, महाराष्ट्र, हम हर जगह काम कर रहे हैं। और कई बार आप हमारे पोस्ट को भी देखते होंगे कि हम छत्तीसगढ़ में भी जाके, इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव होने वाला है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ भी हमारी सहभागिता रहेगी। और हम, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक सवाल पूछा था, सीटें तो हमारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो, सारी सीटें हमारी सीटें आती हैं। हम तो हर सीट पर लड़ते हैं और हम सिर्फ जीत के लिए लड़ते हैं, वो हमारी सीट हो चाहे भारतीय पार्टी की सीट हो, एक ही सीट मानते हैं। देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन हम लोग टकराहट नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, और हम लोग जितनी, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा है, पूरे 80 लोकसभा पे तैयारी करते हैं। मध्य प्रदेश में निषादों की संख्या है जो अभी भी काफी पिछड़ी, जबकि कई साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में निषाद पार्टी सरकारों से कुछ अपील? देखिए, 2016 में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद से अभी आपने देखा है कि धीरे धीरे करते करते आज हमारे पास 11 विधायक, एक MLC, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक सांसद, तो हम लोग धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ में, जैसा मैंने पहले बताया, अभी छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, और मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ भी हमारे जिला संगठन का पूरा संगठन है, और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर भी निषाद पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत के साथ साथ। आजमगढ़ में 2 लोकसभा, एक सदर, एक लालगंज, कहा जाए लालगंज की सीट निषाद पार्टी मांग रही है, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, हमने जैसे पहले भी कहा कि हम तो सब सीट मांगते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साले हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 17 सीट हार गई थी, तो 17 सीट हमें दे दें, हम 17 उसको जीत के वापस कर देंगे। कार्यकर्ता मीटिंग बैठक किस उद्देश्य को लेकर किया गया? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो एक सपना इन लोगों ने देखा था कि हमारा भी दल होना चाहिए, जो समाज कभी दलदल में हुआ करता था, और दल होने के वजह से उसे बल मिलना चाहिए था। तो मैं कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दल का, निषाद पार्टी निर्बल निर्शोषित हमारा आम दल, जो आज की तारीख में इसके 11 विधायक हैं, एक मंत्री हैं, एक MLC हैं, एक सांसद हैं, जो हैं, इन लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी का
गठन हुआ है जिसमें तमाम सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का बैठक में इनके ब्लॉक स्तरीय बूथ स्तरीय पर जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है जिसमें निषाद पार्टी अपने सिंबल पे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। सर, तरौलिया में निषाद पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, जो अब तक का तरौलिया में भाजपा का कहें या निषाद पार्टी के गठबंधन का कहें सबसे अच्छा प्रदर्शन था, नहीं तो ऐसा लगता है कि लोकसभा का चुनाव भी निषाद पार्टी लालगंज को देगी? पूर्ण रूप से इसका प्रयास पूर्ण रूप से हमारी पार्टी कर रही है, शीर्ष नेता कर रहे हैं और इसे हम और हमारी कार्यकर्ता इसे हार नहीं इस महसूस करते हैं अगर दिल और दिमाग से इसे देखा जाए, क्योंकि जिस परिस्थिति में यहाँ की सीट को हम लोगों को मिला था और उस पर हम लोगों ने काम भी किया, इसमें हम लोगों की एक बड़ी जीत के तौर पर हम इसे देखते हैं और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में ही ये सीट और इस पर विजय हासिल होगी। सरवन निषाद जी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, असम में भी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में सरवन निषाद जी की क्या भूमिका है? नहीं, पूर्ण रूप से और मैंने जैसे कहा कि एक समय था त्रेता युग में भगवान राम और निषाद राज का मिलन हुआ था तो रावण राज खत्म हुआ था, एक बार पुनः योगी मोदी डॉक्टर संजय कुमार निषाद राज और राम राज का मिलन हुआ है और परिवर्तन जनता के सामने दिख रहा है और मिल भी रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। आप गांव में जाइए वहां आपको नज़र आएगा कि जिसकी जुबान पे यहां तक कि बच्चों की जुबान पे अगर कोई नाम आ रहा है तो योगी मोदी डॉक्टर संजय कुमार निषाद राज का। लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी की सहभागिता कितनी रही? पूर्ण रूप से और निषाद पार्टी जो है वो सीट के लिए नहीं जीत के लिए काम करती है और जीत के लिए जैसे ही काम करती है सीट अपने आप लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाता है। सर, मौके पर एक चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सर उसमें निषाद पार्टी की भूमिका क्या? नहीं पूर्ण, वो डॉक्टर संजय ओम प्रकाश राजभर बनाम सपा हो गई है और निश्चित रूप से वहाँ विजय जहाँ निषाद राज और राम राज का मिलन हुआ है तो जाहिर सी बात है झंडा गढ़ने वाला है भाजपा का। जा रहा है कि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है तो इसमें सर भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो क्या इसका क्या संदेश? देखिए, हमेशा चुनाव में जनता अपना रुख बता देती है और पिछले चुनाव में दो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो जनता ने बताया है और इस बार घोषित चुनाव में भी जनता पूर्ण रूप से बताने वाली है। सर, इस समय निषाद पार्टी और कहें तो पूरा प्रदेश युवा है, निषाद पार्टी के संजय निषाद जी और प्रशांत जी युवा है, ऐसे में युवाओं के लिए कोई संदेश? नहीं, पूर्ण रूप से और कहा भी जाता है इधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है और जवानी चल रही है, जमाना देखिए कैसे चल रहा है आपके सामने दिख रहा है।